हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलका जैन और आज आप सुनेंगे कमलेश्वर की लिखी कहानी सिपाही और हंस। यह अजब की बात है, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे, राजे महाराजों और नवाबों की रियासत का विलय विभाजित भारत में हो चुका था। इंदिरा गांधी ने उनके लाखों रुपयों के सालाना प्रीवी पर खत्म कर दिए थे, पर जमींदारों और सामंतों की नच्चड़ी आदतें अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्हीं में से एक राजा साहब थे, उन्होंने 100 सैनिकों की एक सलामी फौज रख छोड़ी थी। पुराने जमाने की तरह राजा साहब रोज सुबह अपने महल के गवाक्ष में उपस्थित होते थे। सेनापति के नेतृत्व में 100 सैनिकों की वह सलामी फौज उन्हें सैल्यूट करते हुए गुजरती थी। राजा साहब उसकी सलामी लेते थे। हुआ यह कि राजा साहब को गठिया का रोग हो गया। बहुत इलाज कराया गया पर रोग काबू में नहीं आया। आखिर एक हकीम जी ने परमानेंट और शर्तिया इलाज के लिए उन्हें हंसों का मांस खाने की सलाह दी। राजा साहब ने तत्काल अपने सेनापति को तलब किया। सेनापति ने हाजिर होकर हुक्म हुजूर कहा और 5 सैनिकों को लेकर हंसों का मांस लाने के लिए मानसरोवर की ओर रवाना हो गए। लंबा सफर तय करके वे मानसरोवर के पास पहुंच रहे थे तो हंसों ने उन्हें आते देखा और डर के मारे वे किनारे से हटकर बीच झील में जमा हो गए। सेनापति और उनके 5 सैनिक सोचने लगे कि हंसों को कैसे मारा जाए। झील के बीचों बीच हंस जमा थे। हंसों की तरह ही श्वेत हिम के टुकड़े भी मानसरोवर के पानी में यहाँ वहाँ तैर रहे थे। तब एक सैनिक ने कहा, सेनापति जी, क्यों ना हम यहीं से गोली चलाकर 10-5 हंसों को मार लें, तैर कर जाएं और मरे हुए हंसों को उठा लाएं। सेनापति ने कहा, नहीं नहीं, यह नादानी ठीक नहीं। मानसरोवर का पानी इतना ठंडा है कि तुम वहां तक जिंदा नहीं पहुंच पाओगे, पहुंच भी गए तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। दूसरे दिन सेनापति फिर सैनिकों के साथ पहुंचा। किनारे पर तैरते हंसों ने देखा तो वे पहले की तरह ही बीच झील में जाकर जमा हो गए। तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे दिन भी यही हुआ। तब 7वें दिन सेनापति ने एक तरकीब सोची। वे झील की ओर आते हुए दिखाई दिए तो रोज की तरह हंस भी झील में जमा हो गए। सेनापति सहित 5 सैनिक झील के किनारे इकट्ठे हो गए। हंसों ने फिर उन्हें गौर से देखा तो आश्चर्य की बात यह हुई कि आज वे झील के किनारे की ओर लौट आए। सेनापति की तरकीब काम कर गई थी। सैनिकों ने हंसों की गर्दन मरोड़ी और उन्हें बोरों में भर लिया। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन मन ही मन आप यह सोच रहे होंगे कि यह हुआ कैसे। तो हुआ ऐसे कि आज वे सैनिक सेनापति की तरकीब के मुताबिक साधुओं के वेश में आए थे और हंस चले गए। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरा पॉडकास्ट सुनते रहिए। धन्यवाद।